ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी निर्मला गहतोड़ी, उनसे सीएम धामी का मुकाबला था। चंपावत उपचुनाव में इस बार 2% कम मतदान हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 2% कम मतदान हुआ है इन उपचुनावों में। फरवरी 2022 में 65.99% मतदान प्रतिशत रहा था, लेकिन 31 मई को जो उपचुनाव हुए उसमें यह प्रतिशत 64.02 रहा। तो कल उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत की बात सही होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम आका गया। उपचुनाव में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 2% कम मतदान हुआ है, इससे किसको कितना फायदा किसको कितना नुकसान। ईवीएम में दोनों ही कैंडिडेट्स जो मुख्य दावेदार यहां पर नजर आ रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक तरफ जीत का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन चंपावत में जो उपचुनाव हुआ है उसमें 2% इस बार कम आका गया है मतदान प्रतिशत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, चंपावत में हुए उपचुनाव की कल मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट देखकर पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि चुनाव अपने हाथ, चुनाव पहले से ही कांग्रेस जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नए रिकॉर्ड के साथ बड़े अंतर से जीतने जा रही है, ये दावा करते वो नजर आए हैं। तो चंपावत का कल नतीजा आएगा, उपचुनाव हुआ है चंपावत में, और चंपावत के इस रण में आखिर चंपावत की जनता किसको चुनती है इसका निर्णय कल होगा। कांग्रेस आज की तारीख में रिएक्शन देने के लिए दिखा है जनता के बीच में। कांग्रेस ने कभी आज तक कभी कहा कि आशाजनक रहा, पूरी दुनिया भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को अच्छी बता रही थी, वो सवाल कर रहे थे। पूरी दुनिया वैक्सीन को लेकर भारत को, भारत के वैज्ञानिकों का गुणगान कर रही थी वो वैक्सीन। तो विधानसभा चुनाव में 66% मतदान हुआ है चंपावत के इस रण में। दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह दावा किया गया है कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा, लेकिन चंपावत की जनता किसको चुनेगी इसका फैसला कल होगा। इस बार 2% कम मतदान हुआ है। फरवरी 2022 में जब चंपावत विधानसभा सीट पर मतदान हुआ तो ये वोटिंग जो प्रतिशत था वो 65.99% रहा था, लेकिन 31 मई को जब उपचुनाव हुआ तो ये 64.02% ही रहा। उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत की जो बात कही जा रही थी वो शायद सही होती नजर नहीं आ रही है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम आका गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। ईडीआर ने यह